नमस्कार दोस्तों, रेल परिवहन की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग भारत की आश्चर्यचकित करने वाली रेलगाड़ियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आगामी परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कौन कौन से तथ्य आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए पहला फैक्ट देखें। पहला फैक्ट है, किस भारतीय ट्रेन का सबसे महंगा टिकट किराया है? अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट करें। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है महाराजा एक्सप्रेस। आइए साथ ही इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि इस ट्रेन के कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है। 2010 में भारतीय रेल द्वारा चलाई जाने वाली एक विलासिता ट्रेन है। यह इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा एक संयुक्त उद्यम है। इसका हर टिकट $800 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से लेकर $2,500 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। 2011 में इसे विश्व की सबसे विलासिता वाली 25 ट्रेनों की सूची में नामित किया गया था। इस ट्रेन में कुल 23 डिब्बे हैं। आइए अगला तथ्य देखते हैं। राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस ट्रेन को चलाया गया है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है पैलेस ऑन व्हील। आइए इस ट्रेन की व्याख्या देख लें। इसका आरंभ 26 जनवरी 1982 को किया गया। शुरुआत में इस रेलगाड़ी का लाभ राजपूताना, गुजरात तथा रजवाड़ों के शासकों एवं ब्रिटिश भारत के वायसराय तथा हैदराबाद के निजाम के लिए था। इसकी आंतरिक साजसज्जा दिल्ली के इंटीरियर डिजाइनर मोनिका खन्ना ने की है। इसमें 14 डिब्बे हैं जो भारत के पूर्व रजवाड़ों के नाम पर हैं। इसमें दो रेस्तरा है, पहला दा महाराजा, दूसरा है दा महारानी, जिनमें राजस्थानी से लेकर यूरोपीय, चीनी तथा कॉन्टिनेंटल खाना मिलता है। यह नई दिल्ली के सराय रोला से राजस्थान तथा आगरा तक 8 दिवसीय यात्रा कराती है। इसका टिकट पहले डॉलर में था, पर अब भारतीय रुपए में भी इसका टिकट मिलता है। आइए अगला फैक्ट देखें। पाकिस्तान को भारत से जोड़ने वाली ट्रेनें कौन सी हैं? आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है, पाकिस्तान को भारत से जोड़ने वाली दो ट्रेनें हैं। पहली है थार एक्सप्रेस और दूसरी है समझौता एक्सप्रेस। ये दोनों ट्रेनें कराची तक जाती हैं। आइए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। थार एक्सप्रेस के बारे में देखते हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय रेल है जो 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय पटरियां क्षतिग्रस्त होने के कारण रोक दी गई थी, पर 41 साल बाद इसे 18 फरवरी 2006 को चालू किया। यह दो देशों के बीच चलने वाली सबसे पुरानी रेल सेवा है। अगला तथ्य देखते हैं। यात्रियों के कागजों की जांच भारत के बाड़मेर तथा पाकिस्तान में मीरपुर खास में की जाती है। आइए समझौता एक्सप्रेस के बारे में जानें। यह एक अंतरराष्ट्रीय रेल है जो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई गई थी। आइए अगला तथ्य देखें। भारत की पहली मोनोरेल किस राज्य में चली? आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। आइए देख लेते हैं कि मोनोरेल होती क्या है। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम मोनोरेल परियोजना है। इसका उद्घाटन 1 फरवरी 2014 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने किया था। फरवरी 2014 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था। मोनोरेल का आविष्कार रूस के इवान एल मैनो ने 1800
20 में किया था, जिसमें पहली मोनोरेल को 1897 को जर्मनी में चलाया गया। मोनोरेल एक या एक से अधिक कोच वाली रेलगाड़ी है जो या तो सीमेंट के बने बीम पर चलाई जाती है या जिसे एलिवेटेड कहा जाता है या सीमेंट से बने बीम पर लटकती हुई चलती है। आइए अगला फैक्ट देखें, एड्स जागरूकता के लिए किस ट्रेन को चलाया गया है। आइए इसका उत्तर देखें, इसका उत्तर है रेड रिबन एक्सप्रेस। आइए रेड रिबन एक्सप्रेस के बारे में जानें। रेड रिबन एक्सप्रेस विश्व एड्स दिवस को 1 दिसंबर 2007 को चलाई गई। इसे सोनिया गांधी द्वारा हरी झंडी दी गई थी। इसमें 7 कोच हैं। इसका उद्देश्य एड्स की जागरूकता फैलाना है। इसे राजीव गांधी फाउंडेशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान तथा नेहरू युवा केंद्र संस्थान ने 2004 में विकसित किया था। आइए अगला फैक्ट देखें, भारत में बुलेट ट्रेन किस सन तक चलाए जाने का प्रस्ताव है। आइए इसका उत्तर देखें, इसका उत्तर है 2022 तक। आइए इसकी व्याख्या देख लें। विश्व में पहली बुलेट ट्रेन 1 अक्टूबर 1964 को टोकियो से ओसाका के बीच चलाई गई। इसका नाम सिंकान सेन था। इसकी बनावट बंदूक की गोली की तरह होने के कारण इसे बुलेट ट्रेन कहा जाता है। अगला तथ्य देखें, 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को साबरमती रेलवे स्टेशन के पास एथलेटिक स्टेडियम में अहमदाबाद से मुंबई के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव बनाया गया, जिसे 2022 तक चलाया जाएगा। आइए अगला तथ्य देखें, विश्व की पहली सोलर ट्रेन कहां चली। आइए इसका उत्तर देखें, इसका उत्तर है भारत में। आइए सोलर ट्रेन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। विश्व की पहली सोलर ट्रेन 14 जुलाई 2017 को सराय रोहिला से गुड़गांव के फारूक नगर तक चली, जिसे हरी झंडी रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई। इस ट्रेन में इंजन को छोड़कर सभी डिब्बे सौर ऊर्जा से चलाए जाएंगे। यह ट्रेन चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बने हैं। आइए अगला तथ्य देखते हैं, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। आइए इसका उत्तर देखें, इसका उत्तर है तेजस। आइए तेजस के बारे में जान लें। तेजस जिसकी लंबाई 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे रेल मंत्री सुरेश प्रभु के कार्यकाल में 23 मई 2017 को मुंबई और गोवा के बीच चलाया गया था। वर्तमान में इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन में ब्रेल लिपि का भी प्रयोग किया गया है, ताकि दृष्टिहीन व्यक्ति भी सुविधाओं का आनंद ले सकें। तेजस से पूर्व भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस थी। आइए अगला फैक्ट देखें, अगला फैक्ट है वैष्णो देवी की यात्रा के लिए किस विशेष ट्रेन को चलाया गया है। आइए इसका उत्तर देखें, इसका उत्तर है श्री शक्ति एक्सप्रेस। अगला फैक्ट, दुरंतो कोच का रंग पीला और हरा है, यह किसकी पेंटिंग से प्रेरित है। आइए इसका उत्तर जानें, ममता बनर्जी की पेंटिंग से इसका रंग प्रेरित है। आइए अगला फैक्ट देखें, अगला फैक्ट है भारत की सबसे लेट लतीफ ट्रेन कौन सी है।
आइए इसका उत्तर जानें। इसका उत्तर है गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, जो औसतन 10 से 12 घंटे लेट रहती है। आइए अगला तथ्य देखें। भारत की सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन पर चलने वाली ट्रेन कौन सी है? आइए इसका उत्तर देखें। हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस, जो 115 स्टेशन को पार करती है। आइए अगला तथ्य देखें। अगला तथ्य है भारतीय रेल की सबसे लंबी नॉन स्टॉप सेवा कौन सी है? आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, जो कि बड़ौदरा से कोटा के बीच 528 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय करती है। आइए अगला फैक्ट देखें। अगला फैक्ट है भारत की सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन कौन सी है? आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है मेट पलायम ऊटी नीलगिरी ट्रेन, जिसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आइए अगला फैक्ट देखें। अगला फैक्ट है भारत की पहली सीएनजी इंजन वाली ट्रेन कहां चालू की गई? आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है रेवाड़ी रोहतक डेमू सेवा। आइए अगला फैक्ट देखें। अगला फैक्ट है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से केरल के तिरुवनंतपुरम तक जाती है और कुल दूरी 4273 किलोमीटर की होती है इस ट्रेन की। आइए अगला फैक्ट देखें। अगला फैक्ट है भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन कहां से कहां तक चलती है? आइए इसका उत्तर देखें। इसका उत्तर है हावड़ा से धनबाद के बीच ये ट्रेन चलती है, जो कि 1 अक्टूबर 2011 से चालू की गई। आइए अगला फैक्ट देखें। अगला फैक्ट है भारत से बांग्लादेश जाने वाली ट्रेन कौन सी है? आइए इसका उत्तर देखें। भारत से बांग्लादेश जाने के लिए दो ट्रेनें हैं, मैत्री एक्सप्रेस तथा बंधन एक्सप्रेस। आइए दोनों की व्याख्या देख लेते हैं। आइए सबसे पहले व्याख्या देखते हैं हम लोग मैत्री एक्सप्रेस की। यह ट्रेन 14 अप्रैल 2008 को चालू की गई। इसे फ्रेंडशिप एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रेन का जो उद्घाटन किया गया वो तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रियरंजन दास मुंशी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी एवं बांग्लादेशी हाई कमिश्नर लियाकत अली चौधरी ने इस ट्रेन को झंडी दिखाकर कोलकाता से रवाना किया था और उस समय विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। ये ट्रेन कोलकाता एवं ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन थी, लेकिन 2017 से बंधन एक्सप्रेस भी चलने लगी है। ये ट्रेन इतनी लोकप्रिय हुई कि 2017 में भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस के नाम से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंधन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। आइए अगला तथ्य देखते हैं। ट्रेन 18 का दूसरा नाम क्या है? आइए इसका उत्तर जानें।
इसका उत्तर है वंदे भारत। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक तुरंत पहुंच जाएं।